पूरे महाराष्ट्र में ठेका कामगारों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के चौथे चरण में एक दिवसीय धरना आंदोलन को अच्छा प्रतिसाद मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार हड़ताल बिजली घर कंपनी के ठेका कामगार संयुक्त कृति समिति की ओर से सरकार और प्रशासन को नोटिस दिया गया। चौथे चरण का आंदोलन बड़े पैमाने पर खापरखेड़ा में संयुक्त कृति समिति ने किया है। ठेका कामगारों की मुख्य मांगे है पूरक भत्तों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी, 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे अनुभवी अनुबंध कर्मियों को दैनिक वेतन के आधार पर समायोजित करना, समान काम के लिए समान वेतन, हरियाणा पैटर्न जैसा ठेकेदार मुक्त रोजगार तीनों कंपनियों को लागू किया जाना चाहिए। ऐसी अन्य 13 मांगों के लिए तीनों कंपनियों के ठेका कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। अगर मांग पूरी नहीं की गई तो संयुक्त कृति समिति द्वारा ठेका कामगार 5 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। खापरखेड़ा कृति समिति के खापरखेड़ा संयुक्त कृति समिति के अध्यक्ष राजेश पखिड़े, सचिव विनोद बंसोड़, भूपेंद्र चतुर्वेदी, दिलीप कोठारे, प्रवीण हाते, विलास गुजरमाड़े, नरेंद्र डोंगरे, उमेश पारधी, मोनू पांडे, दिलीप गावंडे, दिलीप रामटेके आदि कॉमरेड भरी संख्या में ठेका कामगार धरना आंदोलन में सहभागी थे। महावितरण कंपनी मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आंदोलन चाललेलं आहे। त्या आंदोलनाचे आज चौथा टप्पा आहे। या चौथ्या टप्प्यामध्ये ही सर्व वीज निर्मिती आणि पारेषण वितरण केंद्रासमोर धरना आंदोलन सुरू आहे। या धरना आंदोलनाच्या माननीय उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री महोदयांनी दखल घेऊन संघटनेला व संयुक्त कृती समितीला बैठकीला प्रचारण करावं व हरियाणा पॅटर्न सारखं सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदार मुक्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावं। चौथा टप्पा चालू आहे आंदोलनाचा, धरणे आंदोलन। आम्ही 3 टप्पे यशस्वीरित्या पार पाडलं आणि आमचा हा चौथा टप्पाही आम्ही यशस्वीरित्या पार पाडू आणि 5वा टप्पा जे आहे आमचा 28-29 काम बंद धरणे आंदोलन। मी शासनाला प्रशासनाला एकच विनंती करतो आहे की आमच्या महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कृती समितीसोबत सकारात्मक चर्चा त्यांनी घडवावी, नाहीतर आम्ही पूर्ण महानिर्मितीचे महाराष्ट्रातले पूर्ण पॉवर स्टेशनला आम्ही बंद पाडू आणि 5 मार्चपासून बेमुदत काम बंद धरणे आंदोलन करू। आमच्या या आंदोलनाला तुम्ही हलक्यावर घेतलं तर उद्या याचे वाईट परिणाम आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहावं लागेल, ते अंधारात जातील। आणि जर आमच्या 5 मार्चच्या कामबंद धरणे आंदोलनाला यांनी अजून हलक्यावर घेतलं तर आम्ही आमरण उपोषण करायलाही मागे पुढे पाहणार नाही। आम्ही आमरण उपोषणसुद्धा चालू करून देऊ त्या आंदोलनामध्ये। आज हमारा यहाँ पे चौथे टप्पे पर महाराष्ट्र राज्य कृती समिति कंत्राटी कामगार कृती समिति की तरफ से चौथे टप्पे पर एक दिन का धरने आंदोलन आज यहाँ पे कंट्राटी कामगारों ने यशस्वी करने के लिए जोरों शोरों से यहाँ पे तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। सरकार को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कंट्राटी कामगारों को तुम अगर हल्के में ले रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलत फहमी है। आने वाले 28 और 29 तारीख को इसका परिणाम भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार नम्र विनंती करके यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी दखल दे के हमारी एक आधी मीटिंग लगा के हमारा एक निर्णय निकालो जिससे कंट्राटी कामगारों में भी होश उल्लास का माहौल रहना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम लोग तुम्हारे पे उल्टा सीधा है कि 3 टप्पे के आंदोलन होने के बाद आज 14 टप्पा आ गया पर आप लोग दखल नहीं दे रहे, इसकी कहीं ना कहीं कामगारों में नाराजगी है। BCN न्यूज चैनल के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन सुधीर पेंडर के साथ दिलीप गजबिये।